ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में हरदोई जनपद में जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में बलिया जनपद में पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए निर्दोष पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया व राष्ट्रपति को संबोधित करके जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर पत्रकार उत्पीड़न रोकने की मांग की गई। इस दौरान जिले भर से आए सैकड़ों पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी से भी भेंट की। पत्रकार एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए पत्रकार कलेक्टरेट से पैदल मार्च करते हुए पुलिस ऑफिस पहुंचे। वहां पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी से मुलाकात की तथा पत्रकारों के समक्ष आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। पत्रकारों ने कहा कि अब पत्रकारिता करना बड़ा ही दुष्कर हो गया है। इस पर एसपी श्री द्विवेदी ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि अब हरदोई जिले में पत्रकारों पर कोई मुकदमा दर्ज होने से पहले उनकी जांच कराई जाएगी। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा मांग की गई है कि नकल माफियाओं के कुकृत्य की व्यापक जांच एवं पेपर लीक का खुलासा करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही के साथ पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस हो, जनपद बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों की भूमिका की न्यायिक जांच कराई जाए तथा परिणाम आने तक निलंबित कर दिया जाए, जिससे जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। प्रदेश में पत्रकार की घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। विभिन्न समाचार पत्रों मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों को शासन स्तर से सूचीबद्ध किया जाए। उत्तर प्रदेश की मान्यता नियमावली में संशोधन कर उसमें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश में पत्रकार आयोग का गठन करके उसमें मान्यता प्राप्त सभी संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसी भी पत्रकार को किसी प्रकरण में कथित रूप से संलिप्त पाए जाने की दशा में तब तक गिरफ्तारी न की जाए जब तक पुलिस विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसकी जांच पूरी न कर ली जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह, संजय सिंह, जिला महामंत्री रजनीश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विजय पांडे, हिंदुस्तान ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला, राष्ट्रीय सहारा ब्यूरो चीफ अनिल मिश्रा, जितेंद्र सिंह बॉबी, धीरज शर्मा, अंकित कुमार, गौतेंद्र कुमार तिवारी, रजनीकांत त्रिपाठी, अरविंद गुप्ता, अमित मिश्रा, विजय लक्ष्मी सिंह, अवनीश सिंह, संदीप शुक्ला, शुभम मिश्रा, विपिन मिश्रा, अनीश सिंह, अमित मिश्रा मनु, शिवम गुप्ता, माया प्रकाश अग्निहोत्री, प्रमोद कुमार, कुलदीप शर्मा, उत्तम अवस्थी, रितेश मिश्र, अशोक सिंह, आदर्श गुप्ता, रामकिशोर शर्मा, रामचंद्र सक्सेना, कमलिंद सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, शुक्ला कमल किशोर, सुशांत सिंह, पंकज गुप्ता, नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार सिंह, कमलिंद सिंह, रमाकांत मिश्रा, रविशंकर सिंह, विवेक कुमार सिंह, धर्मेंद्र सिंह, शक्ति मिश्रा, अमित अवस्थी, रामवीर यादव, रामस्वरूप, पीके सूरी, अजीत सिंह, प्रदीप राठौर आदि सहित लगभग 300 से अधिक पत्रकार मौजूद रहे। नकल माफियाओं की खबर को छापने पर जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की गई, उनका उत्पीड़न किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वो महामहिम राज्यपाल को जो है वो ज्ञापन हमारा भेजें। उसमें जो मांगें हम लोगों ने रखी हैं उन मांगों पर ध्यान दिया जाए और पत्रकारों का उत्पीड़न बिल्कुल बंद हो, क्योंकि पत्रकार जो है कुछ गलत नहीं लिखता, किसी के विरोध में नहीं लिखता है, जो उसको दिखता है, जो लोग बताते हैं, जो कहते हैं, उस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास करता है। अगर कलम पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो सच्चाई सामने कैसे आएगी। इसलिए मैं मांग करता हूँ महामहिम राज्यपाल जी से कि ज्ञापन पर ध्यान दें और पत्रकारों के उत्पीड़न को रोका जाए ताकि पत्रकार स्वतंत्र होकर अपनी लेखनी से समाज की कमियों को उजागर कर सकें और समाज के लोग उसका लाभ उठा सकें।